बनाने जा रहे हैं झटपट आलू मटर मेथी। अब इसके लिए हम रेसिपी देंगे, शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने, करीब 3 आलू लिए हैं, ये 300 ग्राम के आसपास है, 250 ग्राम्स वगैरह होंगे। और ये मैंने मटर लिए हैं छील के, दाने मैंने निकाल लिए थे। ये एक्चुअली आप फ्रिज में 1-2 केजी मटर ला के आप उसके दाने छील के एयर टाइट डब कंटेनर में रख के फ्रिज में रखिए, तो आपको काम में आएंगे। अब ये डाल दिया है मैंने, अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली डाल दी है मैंने, अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे टेस्ट पकड़ना चाहिए करके, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब ये हमारा रेडी हो गया। इसमें आप नमक डालिए मत, या चाहिए तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते। अब ये थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है, अब इसमें हम थोड़ा पानी भी मिक्स करेंगे। इतना पानी मैंने करीब डाल दिया है, अब इसको हम कुकर में रख लेंगे और करीब 2 सीटी निकाल लेंगे। अब इसके साथ साथ मैं चावल भी लगा दे रही हूँ, तो मेरी सब्जी और चावल एक ही साथ हो जाएगा। अभी हमारी आलू मटर मेथी बनाने के लिए मैंने ये रेड चिलीज ली है, राउंड वाली 3 और ये लंबी वाली 1, और ये 1 प्याज लिया है, 1 टोमेटो लिया है बारीक कट करके, 1 बड़ी वाली मिर्च ली है ग्रीन चिली, और ये 3-4 लहसुन की कलियां हैं। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और उसका जो स्मेल है वो जाने के लिए थोड़ा नमक डाला। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड और इसमें पूरा प्याज हम, अब ये प्याज मैंने पूरी डाल दी है, इसको हम थोड़ा पका लेंगे। वैसे तो ग्रीन सब्जी जो है अलसी के ऑयल में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इधर नागपुर में जो है अलसी का ऑयल मिलने के लिए थोड़ी दिक्कत है, और अभी कोरोना लॉकडाउन पीरियड में तो सारी चीज़ों का थोड़ा शॉर्टेज है, इसलिए सरसों का तेल रिप्लेसमेंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे रेडिश होने तक। अभी इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे और बाद में टोमेटो डाल देंगे और वो रेड चिलीज भी। अभी ये प्याज थोड़ा रेडी हो गया है, इसमें हम ये बारीक काट लिया है मैंने गार्लिक और ये ग्रीन चिली ये डाल देते हैं, इसको थोड़ी देर पका लेंगे। अभी हमने इसमें टोमेटो डाल दिया है और ये रेड चिली भी डाल देंगे और इसको भी 2-3 हमारा प्याज टोमेटो चिली पक गया है। इसमें डालने के लिए मैंने ये बारीक काट करके मेथी ले ली है, इसमें थोड़ी थोड़ी डंडी भी रखी थी, इसको कल ही मैंने धो के रख लिया था पानी निकाल के। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, सबसे पहले तो इसमें मैंने नमक डाला और ये नमक के बाद थोड़ी सी शक्कर डाल रही हूँ ताकि मेथी ग्रीन ही रहे, और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, तो इसको हम मिक्स करेंगे। और इसमें अभी जो हमारे पास में मेथी है इसको इसमें मिला देंगे। अब ये मेथी मैंने इसमें डाली है, अच्छे तरीके से इसको मिला लेंगे और इसको थोड़ी देर ढक्कन ढक के पका लेंगे। तब तक हम हमारा कुकर में पकाया हुआ आलू मटर देखते हैं। देखिए सब्जी ग्रीन ही दिख रही है, पानी बिल्कुल नहीं था इसलिए थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे। गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखने का है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी सोख दिया है, इसको हम पका लेंगे।
ढक्कन रख के करीब 5 मिनट। देखिए हमारी मेथी जो है ये पक्के आ गई है और हमने जो है कुकर से ये मटर निकाल लिए, मटर और आलू ये भी पक चुके हैं हमारे। देखिए ये हमारा टाइम सेव हो जाता है कुकर से करने के बाद। अभी ये मेरे पास दही है मलाई वाला, ये दही में इस मेथी में करीब 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसे इसको अच्छा पेस्ट करना, तो जो हमारी मेथी है वो भी ग्रीन रहेगी, वो येलो ही नहीं करना। और इसको थोड़ा सा हम पका देते हैं, ढक्कन रखिए करीब 1 मिनट। ये ढक्कन रख रही हूँ, अब देखिए ये दही जो है हमारा इसमें मिक्स हो चुका है। अभी जो हमारे आलू मटर है हम इसमें मिक्स कर देंगे। आपको अगर गाढ़ा चाहिए तो आप इसको रस्सा जो है आप इसका निकाल लीजिए कुकर में, या फिर पानी मत डालिए तो आपकी बिना रस्से वाली सब्जी बनेगी। और थोड़ा सा गीली गीली रहे वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए हमारी मेथी जो है पकने के बाद भी इधर ग्रीन ही दिख रही है। अब इसको करीब 5 से 7 मिनट पकने दीजिए, आपकी सब्ज़ी रेडी है। अभी देखिए धीरे धीरे ये बॉइल्ड होना शुरू हो रही है। अभी इसको हम ढक देंगे और जो हमारा गैस है उसका फ्लेम जो है हाई फ्लेम से अभी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये है हमारा आलू मेथी मटर, देखिए अभी ये मेथी का सब्जी जो है हमारा पक गया है। करीब 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन निकाला। आपको अगर गाढ़ा चाहिए तो और 5 मिनट पका लीजिए। बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, बड़े ही टेस्टी आलू मटर मेथी बनी है। आप इसको चावल के साथ, पुलाव के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये है हमारी आलू मेथी मटर विद जीरा राइस। आपको जितना चाहिए आप डालिए, खाइए, सर्व कीजिए। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।